हमने फेसबुक पर अपने पोस्ट किया है कि नार्को टेस्ट कराने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपके माध्यम से बस भूषण जी को कहना चाहती हूँ कि विनेश नहीं, जितनी भी लड़कियाँ हैं जिन्होंने कंप्लेंट दी है वो सब रेडी है के लिए। दोस्तों WFI चीफ बृज भूषण पर यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर FIR के बावजूद अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना भी जारी है। असल में दोस्तों बृज भूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीते कई दिनों से पहलवान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 FIR भी हुई, पोस्को एक्ट भी लगा। यहाँ तक पहलवानों ने बृज भूषण पर चल रहे 38 केस की पूरी लिस्ट ही धरना स्थल पर लगा दी, लेकिन सब के बावजूद बृज भूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों 23 मई यानी आज पहलवानों के धरने का एक महीना पूरा हो जाएगा। एक महीने के अवसर पर आज जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक कैंडल मार्च निकाला जाएगा। इस बीच हरियाणा के रोहतक में इस प्रदर्शन को लेकर खाप पंचायत का आयोजन किया गया था। इस खाप पंचायत के खत्म होने के बाद ऐलान किया गया कि अब दिल्ली में महिला पंचायत होगा। दोस्तों महिला पंचायत के लिए 28 मई का दिन रखा गया है और इसी दिन देश के नए संसद भवन का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। रोहतक में खाप पंचायत की काफी देर तक बैठक हुई। ऐसा माना जा रहा था कि इस खाप पंचायत में पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। अब संसद की तरफ कूच करने का प्लान किया गया है। दोस्तों देश की जानी मानी पहलवान साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान इस महापंचायत में शामिल हुए थे, जबकि बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट जैसे अन्य दूसरे पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे। पुनिया ने बताया कि महापंचायत में 4 फैसले लिए गए हैं। इसके तहत 28 मई को महिला पंचायत का आयोजन संसद भवन के पास किया जाएगा। महापंचायत के दौरान एक बार फिर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपी बृज भूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की है। दोस्तों खाप पंचायत के दौरान इसके सदस्यों ने पहलवानों से वादा किया है कि वो जब भी कभी उन्हें बुलाएंगे खाप धरना स्थल पर 5 घंटे के अंदर हाजिर हो जाएगा। दोस्तों जाहिर है इस फैसले के बाद ऐसा लगने लगा है पहलवान अभी भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ चल रही अपनी लड़ाई को दूर तक ले जाने की तैयारी में हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के इधर 20 जून से एशियन गेम्स के लिए ट्रायल शुरू करने का निर्देश दिया है। धरने पर बैठे पहलवानों को प्रैक्टिस करने का समय भी काफी मुश्किल से मिल पा रहा है। ऐसे में खेल के दौरान इन पहलवानों के लिए अपने विरोधियों को अखाड़े में चित करना कतई आसान नहीं रहेगा। दोस्तों बजरंग पुनिया ने कहा कि मैं इस लड़ाई के लिए ओलंपिक मेडल तक कुर्बान करने को तैयार हूं। दोस्तों जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के लिए प्लान तैयार करने के लिए 31 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है। इसमें किसान और खाप के नेता शामिल है, जबकि खेल के विषयों पर इन्हें गाइड करने के लिए 9 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। बता दें कि बृज भूषण शरण सिंह की नार्को टेस्ट की चुनौती को रेसलर्स ने स्वीकार कर लिया है। बजरंग पुनिया ने कहा कि हम सभी किसी भी टेस्ट के लिए तैयार है, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराया जाए, नार्को टेस्ट लाइव हो ताकि सवाल और जवाबों को पूरा देश सुने। दोस्तों 2 FIR होने के बाद भी, पोस्को एक्ट लगने के बावजूद भी BJP सांसद बृज भूषण पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमारे देश की बेटियां सड़कों पर इंसाफ की मांग कर रही है, लेकिन मोदी सरकार के कानों तले जू तक नहीं रेंग रही। दोस्तों ये है हमारी मोदी सरकार, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो देती है, लेकिन अब जब आवाज उठाने की बारी आती है तो सरकार मौन धारण करके बैठ जाती है। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।